हैवी इयररिंग्स का बहुत शौक था। वो कहीं भी शॉपिंग पर जाती तो उसे बस इयररिंग ही दिखाई देती थी। उसकी इस आदत से उसका भाई भाभी सोनी और अक्षय बहुत परेशान रहते। एक रोज सोनी कृतिका के कमरे की सफाई कर रही थी तो अलमारी में कपड़ों से ज्यादा इयररिंग देखकर वो बोलती है, कृतिका ये क्या है? क्या हुआ भाभी? तुम्हारी पूरी अलमारी में इतने कपड़े नहीं है जितने तुमने इयररिंग्स रखे हुए हैं। अरे इतने पहनती भी हो, दुकान खोलनी है क्या तुम्हें इनकी? नहीं भाभी, मुझे ये सारी इयररिंग्स पहननी है इसलिए लाई हूँ। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं है? देखो मेरी बात मानो, इतने हैवी इयररिंग मत पहना करो, आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो। ये तो कुछ भी नहीं भाभी, अभी तो और हैवी लाऊंगी, वो भी डिजाइनर हीरोइनों की तरह। हे भगवान, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ दिन जाते हैं लेकिन कृतिका की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। तभी एक रोज कृतिका का भाई उसके कमरे में आकर बोलता है, जल्दी से तैयार हो जा, हमें शर्मा जी के यहाँ जाना है। ठीक है भाई, आप चलो मैं आती हूँ। कुछ समय बाद कृतिका के तैयार होकर आने पर उसका भाई उसे देखकर बोलता है, ये क्या हुलिया बनाकर आई है तू? क्या हुआ भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपने ही तो बोला था तैयार होकर, आप कहीं जाना है। ओ मंदबुद्धि पागल इंसान, हम किसी की शोक सभा में जा रहे हैं, शादी में नहीं। जो तू इतने बड़े बड़े इयररिंग्स और चमकते हुए कपड़े पहन कर आई है, जा इनको बदल कर आ। तो क्या हुआ भाई, बाहर ही तो जा रहे हैं, मैं नहीं करूंगी चेंज। मैं ऐसे तुझे अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा, तुझे अपना मजाक बनवाना है क्या? अक्षय के कहने पर कृतिका अपने कपड़े और इयररिंग बदल कर आती है और सभी लोग शर्मा जी के यहाँ जाकर वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद अक्षय की मुलाकात अपने एक दोस्त साहिल से होती है। उसके साथ उसका छोटा भाई सनी भी होता है। अक्षय को अपने दोस्त का भाई बहुत पसंद आता है और वो कुछ दिन बाद दोबारा उससे मिलकर कहता है, भाई जो लड़का उस दिन तेरे साथ आया था वो तेरा भाई था? हाँ मेरा छोटा भाई था, अभी फिलहाल में पढ़ाई पूरी करके घर वापस आया है, अब से यही रहेगा। यार मुझे तुम्हारा भाई अपनी बहन के लिए बहुत पसंद है। भाई नेकी और पूछ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन बाद परिवार वालों की मर्जी से कृतिका और सनी की शादी हो जाती है और कृतिका अपने पति और अपने पूरे परिवार वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेकिन शादी के बाद भी उसका हैवी इयररिंग का शौक खत्म ही नहीं होता। वो जब भी मार्केट में जाती तो उसे जो भी इयररिंग लेटेस्ट कलेक्शन में दिखाई देता वो सब उठा लेती और हमेशा अपने कानों में हैवी इयररिंग पहनकर ही रहा करती। जब भी वो किसी काम से बाहर जाती तो सभी आस पड़ोस की औरतें उसे देखते रह जाती। तुम इतनी हैवी इयररिंग्स कैसे पहन लेती हो? तुम्हारे दर्द नहीं होता कानों में? नहीं दीदी, मुझे आदत हो गई है, मेरे कानों में कोई दर्द नहीं होता। वैसे मायके में मेरी भाभी भी बोलती थी मेरी इयररिंग्स के लिए, और यहाँ पर आप, मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो क्या दीदी, आपकी तरह मैं भी बोरिंग हो जाऊँ, सिर्फ एक ही इयररिंग्स को हमेशा पहन कर रखूं? ना बाबा ना, मुझसे तो ना होगा, मुझे तो रोज रोज चेंज करके पहनने की आदत है। पहनो, लेकिन इतने भारी नहीं जो कल तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि बाद में तुम्हें ही परेशानी होगी। कृतिका को अपनी जेठानी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वहाँ से जाकर अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका पति सनी ऑफिस से घर आता है और अपनी भाभी से पूछता है, क्या बात है भाभी, आज आप अकेले ही काम कर रही हो, मेरी मैडम कहाँ है? आपकी मैडम आपके कमरे में है। ओके भाभी, अभी आता हूँ थोड़ी देर में। सनी जब अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि कृतिका बहुत ही गुस्से में बैठी हुई है, इसीलिए वो चुपचाप चेंज करके अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कृतिका उससे बोलती है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ गुस्से में बैठी हूँ? दिखाई दे रहा है जान, तभी तो चुपचाप बैठा हूँ कि कहीं तुम्हारे गुस्से का बम मेरे सर पर ना फट जाए। रहने दो आप, बहाने मत बनाओ, मुझे गुस्सा आपकी भाभी पर है, हमेशा जब देखो मुझे टोकती रहती है मेरी इयररिंग्स के लिए। तुम उनकी बातों को माइंड मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो, बस अपना मूड ठीक कर लो। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है और कुछ दिनों बाद कृतिका के पड़ोस में एक नाम की नई पड़ोसन आती है और वो उससे भी हैवी इयररिंग्स पहनने का शौक रखती थी, लेकिन वो कोई इयररिंग अपने दोनों कानों में नहीं पहनती थी, उसे तो बस एक ही कान में इयररिंग पहनना पसंद था। उसकी इस आदत पर सभी लोग उस पर पीठ पीछे बहुत हंसा करते थे। तभी एक रोज मार्केट जाते समय कृतिका की नजर नैना पर पड़ती है और वो बोलती है, हेलो आपका नाम क्या है, मैंने तो आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। हाय, मेरा नाम नैना है, हम आपके नए पड़ोसी हैं, आपका नाम क्या है? आपने ये इयररिंग्स एक ही कान में क्यों डाले हैं?
क्योंकि मैं नए ट्रेंड को फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आजकल मैं एक कान में इयर रिंग्स पहनने का ट्रेंड चल रहा है तो मैं वही पहनती हूँ। ये सब तो मुझे भी बहुत पसंद है, लगता है हम दोनों की पसंद भी मिलती है, इसलिए हमारी दोस्ती अच्छी रहेगी। ऐसे ही धीरे धीरे कृतिका और नैना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू कर देते हैं। तभी एक रोज नैना कृतिका के घर आती है और कृतिका की जेठानी उसे देखकर बोलती है, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और कृतिका की दोस्त हूँ। वो कहाँ है? वो अपने कमरे में है, आप वहीं चले जाइए। वैसे आपको भी हैवी इयररिंग्स पहनने का शौक है, लेकिन आप दोनों समझ नहीं रही। सुनने के बाद भी चुपचाप कृतिका के रूम में चली जाती है और देखती है कि कृतिका के पास बहुत अच्छी अच्छी इयररिंग्स है, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और सभी इयररिंग्स को देखकर वो बोलती है, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स है, क्या तुम मुझे भी इयररिंग्स पहनने के लिए दोगी? वैसे तो मैं अपनी इयररिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए ले लो। मैं तो एक कान में ही पहनती हूँ, तुम मुझे एक ही दे दो। नहीं, मेरा तो सारा सेट खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों अपना स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं। तुम मेरा स्टाइल कैरी करना और मैं तुम्हारा। ये ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है और तुम्हें। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कार्तिका की जेठानी रिंकी किचन में नाश्ता बना रही होती है, तभी कुछ देर बाद कृतिका वहाँ आती है और रिंकी उसे देखकर बोलती है, अरे ये क्या, पहले तो तुम पागल थी जो 24 घंटे इतने हैवी इयररिंग्स पहन के घूमती थी, और अब एक कान में पहनकर घूम रही हो। आप नहीं समझोगी, ये तो आजकल का फैशन है। देखना थोड़ा ध्यान से, पता चले तुम्हारे कान ही ना बचे फैशन के लिए। रोज रोज इतने हैवी इयररिंग पहनने के कारण से कुछ दिन बाद कृतिका और नैना दोनों के कानों में बहुत दर्द होता है, लेकिन दोनों ही उसे नजरअंदाज करती है। तभी एक रोज सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जहां दोनों ही हैवी इयररिंग डाल कर आती है। थोड़ी देर बाद दोनों के ही कानों में बहुत दर्द होने लगता है और उनके कान कट जाते हैं और उनकी इयररिंग जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग उन पर बहुत हंसते हैं और उनका मजाक बनाते हैं। तभी नैना कृतिका को बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे चक्कर में मैंने दोनों इयररिंग्स पहने जिसकी वजह से मेरे कान कट गए, अब मैं कभी भी इयररिंग्स नहीं पहन पाऊंगी। अच्छा किया सब अपनी मर्जी से, और अब मुझे बोल रही हो? जो तुम्हारे साथ हुआ वही तो मेरे साथ हुआ, मेरा भी तो कान कट गया ना, अब मैं कभी इयररिंग्स नहीं पहन पाऊंगी। तुमने सही कहा, इसमें हम दोनों की गलती है। अगर हमने तुम्हारी जिटानी के कहने पर हैवी इयररिंग्स पहनना छोड़ दिया होता तो आज हम दोनों के साथ ऐसा नहीं होता। ऐसे ही दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो वो हमें नुकसान ही देगी और फिर पछताने के सिवाय खोई हुई चीजें वापस नहीं आ पाएंगी। वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। परी अपने पति आरव के साथ दिल्ली में रहा करती थी। परी को मैगी खाना और सबको बनाकर खिलाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, तभी परी अपनी सास संचिता देवी से कहती है, माँ जी क्या बनाऊँ, बरसात का मौसम है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। जी मैं मैगी बना लेती हूँ मस्त मसाला डाल के। नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पकोड़े खाने का मन है तो तू यही बना। आइडिया, अभी बना कर लाती हूँ पकोड़े, वो भी एकदम नए स्टाइल में। परी रसोई में जाती है और दो पैकेट मैगी लेती है और उसे उबाल लेती है, जिसके बाद वो उसे बेसन के घोल में मिलाकर गर्मा गर्म पकौड़े बनाती है और मसाले वाली चाय के साथ में अपनी सास को सर्व करती है। संचिता जल्दी से पकौड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है और स्वाद लेते हुए कहती है, बहू मजा आ गया पकौड़े खाकर, मगर किस चीज के पकौड़े बनाए हैं तूने? स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है इसका। माँ जी मैंने मैगी के पकौड़े बनाए हैं। हे भगवान, सारा दिन मैगी में ही डूबी है तू, मगर इन पकौड़े का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ गया खाकर। हाँ जी माँ जी, तभी तो बनाए हैं। मगर इतना भी क्या किसी चीज का दीवाना होना, ये सब अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी आपको मैगी पसंद नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हैं आप ऐसे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, आए दिन दोनों सास बहू में मैगी को लेकर बहस होने लगती है और एक दिन आरव अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसमें से उसका एक दोस्त
बोलता है, यार तेरी वाइफ है बड़ी कमाल की, मैगी का कुछ भी बना देती है और तुझे मन मार कर खाना ही पड़ता है। साले तेरी शादी नहीं हुई ना, तभी ऐसे बकवास कर रहा है। हाँ यार, मैं आरफ की दिक्कत को समझ सकता हूँ, अगर वाइफ के पसंद को ना पसंद कर दो तो बवाल ही हो जाता है। अरे यार मैं समझता हूँ ये बात, बीवी नहीं है तो क्या हुआ, जीव तो है, नाक में दम करके रख देती है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं और शाम को आरफ घर पहुँचता है। वहीं रात के डिनर में भी परी ने फिर से मैगी की सब्जी बनाई होती है। सविता और आरफ बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, आरफ का जन्मदिन आता है। परी सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से कर देती है। आरफ केक कट करने के लिए अच्छे से तैयार होकर खड़ा होता है कि तभी साइड में उसकी माँ केक लेकर आ रही होती है और दूसरी साइड से परी मैगी का केक बनाकर लाती है। और परी आरफ से कहती है, सुनिए जी, आप मेरा बनाया हुआ ही केक कट करेंगे? ओ महारानी, तेरा बनाया हुआ केक खाकर मेरे बेटे का पेट खराब हो जाएगा। माँ जी, आप तो बस मेरी मैगी की रेसिपी में ना कमियां ही निकाल सकती हैं, और कुछ तो आता नहीं आपको। बोला ना कि आरफ पहले मेरा दिया हुआ केक काटेगा, समझी? मैंने बोल दिया ना कि मेरा मैगी से बना हुआ केक कट होगा पहले, तो मतलब वही कट होगा। अरे बस करो आप दोनों, ये क्या चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। आरफ अपनी माँ और पत्नी की बात मानकर अपने दोनों हाथों से एक एक केक को कट कर देता है और दोनों हाथों से एक तरफ माँ को और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को केक खिलाता है। हंसी खुशी सभी लोग पार्टी को एंजॉय कि तभी उसके मन में एक अच्छा सा ख्याल आता है। तो वो सोचती है, जब मुझे मैगी की इतनी सारी वैरायटी बनानी आती है तो क्यों ना मैं अपना मैगी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लूं। प्लेन मैगी तो सबको पसंद नहीं होती, जब मैं अलग अलग डिशेस बना के सेल करूंगी तो मेरा होटल अच्छा चलेगा। खाना बनाने के बाद वो सास के पास जाती है और उनको इस बिजनेस के बारे में सब बताती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है ये उल्टे पुल्टे काम करने की, हम तो वैसे भी परेशान हैं, बाकियों को भी परेशान करने लगेगी। माँ जी, उल्टे काम है ये? अच्छा चलो एक बात बताओ, आज तक मैंने मैगी की जितनी भी रेसिपी बनाई है क्या उनमें टेस्ट नहीं था? हाँ हाँ टेस्ट होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही चीज खाते रहें। और अब महारानी को मैगी का स्टॉल खोलना है। हाँ माँ जी, मैं तो होटल खोल के ही रहूँगी, चाहे आप साथ दो या ना दो। और देखना, जिस दिन मेरा होटल फेमस हो गया ना, आपको उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। दोनों सास बहू स्टॉल खोलने को लेकर बहस करने लगती हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन परी आरफ से इस बारे में बात करती है और उससे कहती है, आरफ मुझे ना मैगी का स्टॉल खोलना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरे पागल, खुद को मास्टर शेफ समझती हो क्या? मगर उससे कम भी नहीं समझती हूँ खुद को। मेरे तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है। शादी करते वक्त तो इतने वादे किए थे, हर जगह साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा, अब क्या हुआ, हवा हो गई ना सारी चीजें। करती रहो बकबक, मैं चला। परी आरफ को बहुत समझाती है मगर आरफ भी उसको मना कर देता है। परी बहुत उदास हो जाती है तो वो खुद से बोलती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मगर मैं अपना मैगी का स्टॉल खोल कर ही रहूंगी और जब मेरा स्टॉल एक होटल में तब्दील हो जाएगा ना, तब समझ आएगा इनको कि मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और परी मैगी का स्टॉल खोलने का ठान ही लेती है और कुछ ही समय के बाद वो एक छोटा सा मैगी का स्टॉल खोल लेती है, जहाँ वो मैगी की बहुत सारी वैरायटीज बनाती है, जैसे कि मैगी के समोसे, मैगी रोल, मैगी पराठा, मैगी सैंडविच आदि। धीरे धीरे उसका स्टॉल चलने लगता है, बूढ़े से लेकर जवान तक हर आदमी उसके स्टॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी तरक्की देखकर उसकी पड़ोस की एक औरत उसके घर जाकर उसकी सास संचिता से कहती है, वाह संचिता बहन, तुम्हारी बहू का तो बहुत नाम हो गया, अब तो गली मोहल्ले में सब उसको मैगी वाली बहू कहने लगे हैं। तो बहू किसकी है ये बता। हाँ हाँ तेरी है, मगर लक्षण तो तेरे जैसे नहीं है। अच्छा तो मेरे घर में आके मेरे लिए ही बोल रही है तू? अरे तो चल बाहर भी बोल देती हूँ। अरे जाना तू, और रही बात मेरी बहू की तो तू एक काम कर, पहले अपनी बहू के ऊपर नजर रख। जिसे कुछ संचिता को अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, संचिता आरव दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो आरव अपनी माँ से कहता है, माँ हमने कितना बुरा किया ना, एक ही परिवार के होकर भी परी का साथ नहीं दिया हमने। हाँ बेटा तू
सही बोल रहा है, हमने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं तो कहती हूँ कि चल के माफ़ी मांग लेते हैं बहू से। हाँ माँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन तब भी उसे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी ना। संचिता और आरव दोनों ही परी के पास जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। साथ ही परी उन्हें माफ करके अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने लगती है, जिसमें संचिता भी उसका पूरा हाथ बटाती है। इसी के साथ वो सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। राखी अपने कॉलेज के इवेंट में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और अपनी मम्मी हेमा को अपनी ड्रेस दिखाने के लिए जाकर उनके सामने कहती है, मम्मी मेरी ड्रेस देखो ना, आज मेरा इवेंट है, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना। अरे मेरी गुड़िया, तो बहुत अच्छी लग रही है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द से कराहते हुए हल्का चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है, जिसके बाद हेमा उसे संभाल कर उठाती है और उसके बेड पर लिटा देती है। जब वो 5 मिनट के बाद हॉट बेड और चाय लेकर दोबारा अपनी बेटी के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी कमरे में है ही नहीं। जैसे ही वो उसे आवाज लगाती है तो राखी वॉशरूम से निकलकर आ जाती है। साथ ही उसकी उदासी को देखकर हेमा कहती है, पीरियड्स हो गए ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। राखी के इतना कहते ही उसके फोन पर कॉलेज में से मैसेज आता है कि आज का इवेंट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राखी के पेट का दर्द कम ही नहीं होता, साथ ही उसकी कमर में भी काफी दर्द रहता है। और 2 दिन के बाद राखी का इवेंट होता है। राखी को कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे पेन किलर देती है और राखी कॉलेज पहुँच कर उस पेन किलर को खा लेती है, जिससे मिनटों में उसको कुछ आराम मिल जाता है और फिर वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे देती है, जिसके बाद उसे विनर घोषित किया जाता है। और घर लौटकर वो अपनी मम्मी को ट्रॉफी दिखाते हुए कहती है, मम्मी देखो मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरे लाडो, सुबह तुझे कितना दर्द था फिर भी तू परफॉर्मेंस करके ट्रॉफी ले आई। अरे कहाँ मम्मी, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं डर हो गया। बेटा ये बहुत गलत बात है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसी पेन किलर का असर सीधा हमारे गर्भाशय पर होता है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, राखी को फिर से पीरियड्स का पेन होता है और वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक गोली निकाल कर खाने ही वाली होती है कि तभी उसको उसकी मम्मी की बात याद आती है। लेकिन अगले दिन उसे फिर से बहुत दर्द होता है और पीरियड्स के 3 दिन वो कॉन्टिन्यूसली दवाई का सेवन करती है और कहती है, सॉरी मम्मी आपने मना किया था, लेकिन फिर भी इस बार दवाई खा ली है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता, क्या करूं मैं। पेन किलर खाने के बाद राखी बहुत आराम महसूस करती है और वो रेस्ट भी कर लेती है। अगले दिन राखी का पेन कम होता है और वो शॉपिंग से वापस लौट ही रही होती है कि एक वैन आती है और उसका मुंह बंद करवा कर उसे अंदर बिठा लेती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, आज तू बचेगी नहीं, अब तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? काटने के लिए लाया हूँ। काटने? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना कहते ही वो लड़का अपना मास्क हटा देता है और उसी के साथ वो दोनों लड़के भी। ऐसे में वो लोग उसके सामने केक रखकर और पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करते हुए बोलते हैं, अरे केक काटना क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू राखी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गौरव तुम यहाँ, इसका मतलब तुम मुझे परेशान कर रहे थे, तुम्हारी तो अब आया ना मजा। आ, यार ऐसे कौन मारता है, मैं तो तुझे सरप्राइज दे रहा था। सरप्राइज माय फुट, ऐसे कौन करता है यार, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी, नमूने कहीं के। अच्छा छोड़ वो सब, अब केक काटते हैं। अच्छा तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। हाँ स्वीटू। इसके बाद वो सभी के साथ केक कट करती है, जिसके बाद गौरव उसे सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं, तभी राखी को हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है और वो उदास होती है। ऐसे में उसे उदास देखकर गौरव बोलता है, क्या हुआ तुम्हें, अभी तो इतनी खुश थी, अचानक ऐसे सैड सैड क्यों हो गई? एक्चुअली मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पीरियड से मैं 3 दिन से ऐसे ही तड़प रही हूँ। अरे
मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और सुनो, तुम ये नहीं खाओगी, तुम्हें नुकसान करेगी। रुको, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। वेटर सुनो, एक वेजिटेबल सूप लेके आओ। ओके सर। गौरव, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारी ऐसे टाइम में केयर नहीं करूँगा तो कब करूँगा? मैं जानता हूँ तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा, शायद मेरी केयर करने से तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू स्वीटू। दोनों बातें कर ही रहे होते कि तभी वेटर सूप लेकर आता है और उसे पीने के बाद राखी को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। कुछ समय गुजर जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर शादी करने की अनुमति ले लेते हैं। अगले हफ्ते ही दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। राखी घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक राखी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला वहां आती है और उससे कहती है, अरे बहू, मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटे की शादी अच्छे से निपट जाएगी तो मैं अपने घर में जगराता करवाऊंगी। इसीलिए मैंने पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते ही घर में जगराता रखवाया है। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बहू, ये लिस्ट दे दी है, अब जा और हलवाई वाले से बात कर लियो। निर्मला की बात सुनकर वो जगराते की तैयारियाँ करने लगती है। 3 दिन बीत जाते हैं और उसे दर्द फिर से महसूस होता है, जिससे राखी सब समझ जाती है और कैलेंडर को देखकर कहती है, ओह नो, मेरे तो पीरियड्स आने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? अगर मुझे पीरियड्स हो गए तो मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी और इतने सारे काम वो कौन करेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी अपनी ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है और वो उसे पीरियड्स गैप करने की पिल्स के बारे में सब बता देती है, जिसे खाने के बाद कुछ दिन के लिए पीरियड्स स्किप हो जाते हैं और वो अच्छे से जगराते के फंक्शन को अटेंड भी कर पाती है। तभी अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। वक्त गुजरता जाता है, राखी अक्सर इसी तरीके से पीरियड स्किप करने की पिल्स को लेकर गैप देना शुरू कर देती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं पर अभी तक राखी को बच्चा नहीं हो पाया था। ऐसे में उसकी सास उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे नास पीटी करमजली, कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? अरे मुझे पोते पोतियों का सुख देगी भी या नहीं? और कितना टाइम लगेगा? तुम दोनों कोशिश तो करते हो ना, या वो भी नहीं करते? माँ जी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी सास के तानों से परेशान होकर राखी गौरव के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ उसके सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहती है, मिसेस राखी, आई एम सॉरी, आपके इंटरनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। पर डॉक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शादी से पहले और बाद में भी पीरियड्स को लेकर उसको रोकने या उसके दर्द को बंद करने के लिए काफी मात्रा में ऐसी पिल्स ली हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जितना जल्दी हो सके आप बन सके। डॉक्टर की बात सुनकर राखी बुरी तरह से टूट जाती है और फिर कहती है, क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जब मुझे ये खुशी नहीं मिली? मम्मी सही कहती थी, मुझे पेन किलर नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उस दर्द से तो ये दर्द कहीं बुरा है, मैं इस दर्द का क्या करूँ? राखी, संभालो अपने आप को, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। सुनाना ही डॉक्टर से, रो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त में दोनों वापस घर आ जाते हैं और काफी समय तक राखी का इलाज चलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।